तो जैसे एग्जाम वगैरह में लोग चीटिंग करते हैं, वैसे हमें देखने को मिला कि बेंटन यूनिवर्स में ऐसे कुछ कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको बेंटन के क्रिएटर्स ने किसी न किसी शो से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लिया। यानी कि बेंटन के यूनिवर्स में ऐसे एलियंस या फिर कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जिनको बेंटन के जो क्रिएटर्स है उन्होंने डायरेक्टली बेंटन के शो में डाल दिया बस दूसरे को कॉपी करके। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉप कैरेक्टर्स के बारे में जो कि बेंटन के शो में हमें बिल्कुल कॉपी देखने को मिले। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेंटन के यूनिवर्स में सबसे पहला जो कॉपी कैरेक्टर था वो कोई और नहीं बल्कि केविन लेविन था। अब काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि केविन कैसे कॉपी है, तो आप लोगों ने मार्वल यूनिवर्स में एक काफी यूनिक कैरेक्टर को देखा होगा जो कि कॉमिक और एनिमेटेड सीरीज में काफी पॉपुलर था, जिसका नेम है एब्जॉर्बिंग मैन। ये कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके पास एब्जॉर्बिंग पावर थी, यानी कि वो किसी की पावर को एब्जॉर्ब कर सकता था। और वैसे ही बेंटन के यूनिवर्स में हमें केविन के पास पावर देखने को मिली थी कि केविन जो अपनी पावर का यूज करके बेंटन के किसी भी एलियन को एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर किसी और एनर्जी को या मेटल को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता है, बिल्कुल एब्जॉर्बिंग मैन की तरह। यानी कि जो हमारा केविन है जो कि हमें बेंटन में देखने को मिलता है वो दरअसल मार्वल के एब्जॉर्बिंग मैन से काफी ज्यादा इंस्पायर था, या फिर केविन को आप लोग डायरेक्टली कॉपी भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है काफी ज्यादा इंस्पायर है। इनकी पावर्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है और काफी सारे ऐसे फैंस है जो कि ये बात काफी पहले से जानते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि चार्मकास्टर है। ये कैरेक्टर हमें बेंटन के यूनिवर्स में काफी पावरफुल कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिली थी। इसकी जो फर्स्ट अपेयरेंस है वो हमें बेंटन क्लासिक में दिखाई गई थी, उसके बाद हर एक सीरीज में हमें चार्मकास्टर का कैरेक्टर देखने को मिला था और हर सीरीज में इसका पावर लेवल धीरे धीरे और भी ज्यादा इंक्रीज होता गया। बेंटन के यूनिवर्स में चार्मकास्टर इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जिसने बेंटन की पूरी टीम को इजिली डिफीट कर दिया था। अब बात कर ली जाए कि ये कैरेक्टर कहां से कॉपी किया गया था, तो मार्वल के यूनिवर्स में आप लोग को स्कारलेट विच का कैरेक्टर देखने को मिला होगा। चार्मकास्टर इस कैरेक्टर से काफी ज्यादा इंस्पायर थी। इन दोनों की कॉस्ट्यूम में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, प्लस हमें देखने को मिला है कि इन दोनों के पास जो मैजिकल पावर्स है उनमें भी काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। और इसकी बैक स्टोरी के बारे में अगर आप लोग जानो तो आप लोग को पता लगेगा कि ये दोनों कैरेक्टर ही ऐसे कैरेक्टर है जो कि काफी ज्यादा अलोन है और इन्होंने पूरी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। अनन्या पांडे वाला स्ट्रगल नहीं लेकिन स्ट्रगल किया है। इसके बाद आता है बेंटन का एक काफी पावरफुल एलियन जिसे आप लोग बेविक के नाम से जानते हो। इसकी जो फर्स्ट अपेयरेंस है वो हमें बेंटन क्लासिक के एंड में देखने को मिली थी, जहाँ पे एजमत ने प्रोटोटाइप ओमनीट्रिक्स में बेविक का डीएनए इंक्लूड कर दिया था ताकि बेंटन जो बेविक का यूज करके विलगैक्स और उसकी पूरी आर्मी को डिफीट कर पाए। अब बात करें कि आखिर बेविक किस कैरेक्टर से कॉपी किया गया था, तो ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि अल्ट्रामैन के यूनिवर्स का अल्ट्रामैन मेवियस था। अगर आप लोगों ने ये वाला शो देखा तो आपको पहले से पता होगा कि बेविक जो है अल्ट्रामैन से कॉपी किया गया था। अल्ट्रामैन के पास जो हमें सारी पावर देखने को मिलती है वो सारी पावर बेविक के पास मौजूद है। हालांकि बेविक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन अगर आप लोग बेविक के पूरे डिजाइन को देखो तो आप लोग को डायरेक्टली ये बात पता लगेगी कि बेविक जो अल्ट्रामैन से इंस्पायर होकर बनाया गया था, या फिर आप लोग इसे कॉपी भी बोल सकते हो। बेविक जिस तरह से कॉस्मिक पावर का यूज करता है बिल्कुल सेम तरीके से अल्ट्रामैन भी कॉस्मिक पावर का यूज करता है। अगले कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बेंटन का एलियन फोर आर्म्स है जिसे बेंटन क्लासिक में सबसे ज्यादा यूज करता था। अब इसके पास हमें चार हाथ देखने को मिलते हैं, चार आईज देखने को मिलती है और इसकी स्ट्रेंथ लेवल काफी ज्यादा है। अब बात कर ली जाए कि इस कैरेक्टर को किस कैरेक्टर से इंस्पायर होकर या फिर कॉपी करके बनाया गया था, तो ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि मोर्टल कॉम्बैट मूवी का कैरेक्टर गोरो था। अगर आप लोगों ने गोरो के कैरेक्टर को मोर्टल कॉम्बैट में देखा तो आप लोग को पहले से इसके बारे में पता होगा कि फोर आर्म्स जो है गोरो की कॉपी था। फोर आर्म्स के अगर आप लोग अल्टीमेट एलियंस वाले डिजाइन को देखो तो अल्टीमेट एलियंस वाला जो डिजाइन है वो बिल्कुल गोरो के जैसा है। अब इन दोनों कैरेक्टर में सिर्फ एक ही डिफरेंस था कि गोरो के पास दो आईज थी, वहीं पे फोर आर्म्स के पास चार आई है। फोर आर्म्स के पास जो अबिलिटीज है वो सारी अबिलिटी गोरो के पास हमें काफी पहले देखने को मिल चुकी है। अब काफी सारे लोग ये बात बोलने वाले हैं कि मोर्टल कॉम्बैट मूवी अभी आई है, लेकिन जो लोग मोर्टल कॉम्बैट को पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि गोरो का जो कैरेक्टर है वो हमें काफी पहले देखने को मिल चुका था। अगला जो कैरेक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि फास्ट ट्रैक है। आप लोग को बेंटन अल्टीमेट एलियन सीरीज में देखने को मिला होगा कि फास्ट ट्रैक जो है बेंटन की वॉच में अनलॉक हो गया था, जिसके बाद बेन इसका काफी यूज करने लगा था। बेंटन ने अपने एक्सेलरेट का यूज करना काफी कम कर दिया था, क्योंकि एक्सेलरेट के पास जो हमें पावर देखने को मिली थी वही पावर फास्ट ट्रैक के पास भी थी, जिसकी वजह से बेंटन जो फास्ट ट्रैक का ज्यादा यूज करता था। अब बेंटन के इस एलियन को मार्वल के एक काफी यूनिक कैरेक्टर से इंस्पायर होकर या फिर कॉपी करके बनाया गया था, तो ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि मार्वल यूनिवर्स का क्विक सिल्वर है। अगर आप लोगों ने मार्वल यूनिवर्स में इस कैरेक्टर को देखा तो आपको पहले से पता होगा कि क्विक सिल्वर का जो कॉमिक वाला डिजाइन था वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक के जैसा था। इन दोनों के पास सेम पावर्स है, जहाँ पे गाइस ये दोनों रनिंग कर सकते हैं। इनकी स्पीड लेवल काफी ज्यादा है और बैटल के दौरान अपनी स्पीड को और ज्यादा
इंक्रीज कर सकते हैं। क्या आप लोग को पहले से पता था कि बेंटन यूनिवर्स के फर्स्ट ट्रैक को क्विक सिल्वर से इंस्पायर होकर बनाया गया था? नीचे कमेंट करके मुझे बताना। अगला जो करेक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि बेंटन का हीट ब्लास्ट है। अगर आप लोगों ने हीट ब्लास्ट को बेंटन की सीरीज में देखा तो आपको पता ही होगा कि बेंटन जो है हीट ब्लास्ट का सबसे पहला एलियन था, जिसकी बॉडी में बेंटन जो है ट्रांसफॉर्म हुआ था और फायर पावर का यूज करके उसने पूरे जंगल को आग लगा दी थी। अब ये करेक्टर जो है पूरी तरह से मार्वल के एक करेक्टर से कॉपी किया गया था। अगर आप लोग यहाँ पे गोस्ट राइडर का नाम लेने वाले हो तो आप लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि गोस्ट राइडर इससे काफी पावरफुल और एक डिफरेंट करेक्टर है। बेंटन के यूनिवर्स में हीट ब्लास्ट को जो है ह्यूमन टॉर्च से इंस्पायर होकर बनाया गया था। ह्यूमन टॉर्च के पास वो सारी पावर हमें देखने को मिली है जो कि गाइस हीट ब्लास्ट के पास हमें देखने को मिली थी, और इसको लेके काफी यूनिक फैक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिसके बारे में कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि मार्वल कॉमिक्स में सबसे पहला जो करेक्टर था वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च था, जिसको सबसे पहले मार्वल कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कराया गया था। वहीं पे बेंटन के यूनिवर्स में हीट ब्लास्ट ही वो सबसे पहला एलियन था जिसको बेंटन के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो इन दोनों के इंट्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। क्या आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया था या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके मुझे बताना। इसके बाद अगला जो करेक्टर है वो कोई और नहीं बल्कि अपग्रेड है। अपग्रेड हमें फर्स्ट टाइम बेंटन क्लासिक में ही देखने को मिल गया था, जहाँ पे गाइस हमें पता लगता है कि अपग्रेड के पास अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की पावर है और ये किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक कर सकता है, यानी कि इसकी बॉडी काफी कैपेबल और इंटेलिजेंट है। अब आप लोग को मैं बताता हूँ कि ये करेक्टर किससे कॉपी किया गया था। अगर आप लोगों ने मार्वल के यूनिवर्स में मिस्टर फैंटास्टिक को देखा है तो आप लोग को इसके बारे में पहले से पता होगा कि अपग्रेड दरअसल मिस्टर फैंटास्टिक से कॉपी करके बनाया गया था। हालांकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये बात ऑफिशियली कंफर्म है कि अपग्रेड जो है मिस्टर फैंटास्टिक से इंस्पायर होकर बनाया गया था। इनकी पावर्स में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिला कि अपग्रेड जो है अपनी पावर का यूज करके किसी भी टैग को हैक कर सकता है, वहीं पे मिस्टर फैंटास्टिक किसी भी टैग को हैक करने के लिए अपने इंटेलिजेंस लेवल का यूज करता है। यानी कि ये दोनों करेक्टर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और इनकी पावर्स में थोड़ी सिमिलैरिटीज तो है। अब आप लोग इसे इंस्पायर बोल सकते हो या फिर कॉपी बोल सकते हो, आप लोग की मर्जी। अब इतने सारे करेक्टर मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दिए, लेकिन इनके अलावा बेंटन के यूनिवर्स में कई सारे और भी करेक्टर एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसी न किसी करेक्टर से कॉपी करके बनाए गए थे। अगर आप लोग उनके बारे में भी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके पार्ट 2 लिख देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोग इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हो और आप लोग को इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।